वेलकम टू मूवीज अ टाइम, दिस इज योर बॉलीवुड गाय G9 यानी कि दिव्य सोल का मां। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की एकमात्र बड़ी रिलीज फिल्म किक की। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। पुरानी हिंदी फिल्मों में मास्ट हीरो बेस्ड फिल्म्स ऑन द स्टोरी लाइन ऑफ रॉबिन हुड वे क्वाइट पॉपुलर। एक्टर्स जैसे कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, जैकी श्रॉफ, महमूद एंड मेनी मोर एसेट द कैरेक्टर ऑफ मास हीरो जो अमीरों से पैसे चुरा कर गरीबों की मदद करता था। ऑडियंस लव्ड वॉचिंग देयर फेवरेट हीरो वेयरिंग अ मास्क एंड डूइंग देयर हीरोइक एक्ट। लेकिन मिलेनियम एरा के आते आते ये ट्रेंड खत्म हो गया एंड वॉज रिप्लेस बाय द सुपर हीरो टाइप्स ऑफ फिल्म्स इन अवर हिंदी सिनेमा। अब तीनों खान्स की बात करें तो एक सुपर हीरो बन गए और दूजे ने एक डेयर डेविल स्टाइल ऑफ फास्ट पेस एक्शन फिल्म की, और शायद इसीलिए तीसरे खान यानी कि सलमान खान ऑप्टेड आउट टू डू अ मास हीरो बेस्ड फिल्म ऑन द लाइंस ऑफ रॉबिन हुड इन हिज लेटेस्ट फिल्म किक। अब सलमान खान की फिल्में आउट एंड आउट मसाला एक्शन ड्रामा टाइप की फिल्में होती है और इसीलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट काफी एक्साइटिंग लग रहा है सुपरस्टार सलमान खान और उनके डाई हार्ड लॉयल फैंस के लिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या सलमान खान की ये नई पेशकश एक और बॉक्स ऑफिस धमाका मचाएगी या कि माइट एंड अप as an overdose of Salman Khan and his style of cinema। एक फिल्म की कहानी है देवी लाल सिंह यानी कि सलमान खान की, who loves doing unusual things in his life so that he can enjoy the whole intoxication attached to it। एक दोस्त की मदद के दौरान देवी की मुलाकात होती है शाइना यानी कि जैकलीन फर्नांडिस से और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के साथ रहे किसी कारणवश वे अलग हो जाते हैं और शाइना को पोलैंड आना पड़ता है जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है हिमांशु यानी कि रणदीप हुडा से जो कि एक एस कॉप है who is chasing a robber named Devil यानी कि सलमान खान, और इसके बाद जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। अपनी किक के लिए तुम किसकी भी जान खतरे में डाल सकते हो। वो जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली। जैसे कि हम जानते हैं कि ये फिल्म इसी नाम की एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है। किक फिल्म की शुरुआत काफी एवरेज है और बीच वाले हिस्से में पूरी की पूरी धूम फिल्म की याद दिलाती है जो कि काफी ज्यादा है एंड रुइंस योर मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस। रणदीप हुडा का तो पूरा कैरेक्टर अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर फ्रॉम धूम एंड धूम 2 से काफी मिलता जुलता है। जैसे ही फिल्म सेकेंड हाफ में आती है इट कम्स ऑन द राइट ट्रैक। फिल्म में ढेर सारे एंटरटेनिंग सीन्स है जो कि आपको फिल्म में एंगेज रखेंगे। ऑन द फ्लिप साइड द स्टोरी लाइन रन्स ऑन अ वेरी थिन स्क्रिप्ट दैट हैम्पर्स द फिल्म इन बिग वे। और अगर लॉजिक की बात करें तो फिल्म में काफी जगहों पर नहीं मिलती है। बाकी की जगहों पर इज मोस्टली एक्सेप्टेड ओनली ड्यू टू द सलमान मेनिया अटैच्ड टू इट। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। टेक्निकली फिल्म काफी अच्छी है ना, एक्शन सीन्स आर ब्रिलियंटली परफॉर्म। अगर म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने काफी पेपी है एंड जुम्मे की रात इज अ ह्यूज हिट एंड विल वू द ऑडियंस ड्यू टू द फैंटास्टिक डांस परफॉर्मेंस बाय सलमान खान एंड स्पेशली जैकलीन फर्नांडिस। डेविल सॉन्ग भी फुट टैपिंग है एंड हैंगओवर बाय सलमान खान एज अ सिंगर एड्स अ चार्म टू द फिल्म। डेब्यूटेंट डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला एंड्स अप बीइंग अ मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर देन अ डायरेक्टर फॉर हिज फिल्म। ही एड्स अ मच नीडेड पावर टू द फिल्म इन टर्म्स ऑफ एक्शन सीन्स एंड टेक्स हिज मूवी at par with the international standards, but while focusing more on this added attraction he misses out on the writing part। wahi agar performance ki baat kare to Salman Khan adds the much needed Salman Khan mania to this film jo ki unke fans miss kar rahe the unki pichli filmon mein। he looks cute in romantic scenes, ferocious in the action scenes and charming in the song। wahi Jacqueline Fernandez looks super sexy and ends up delivering a fine performance। dono Salman and Jacqueline ek saath ek dusre ko compliment dete hain and their chemistry on the screen is flattering। रणदीप हुडा ट्राइज टू एप अभिषेक बच्चन कैरेक्टर फ्रॉम द फिल्म धूम एंड फेल्स टू डू प्रॉपर जस्टिस टू हिज रोल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज फैंटास्टिक एंड डज हिज पार्ट विद टोटल ग्रेस। काश उनका रोल और भी ज्यादा होता, बट इवन विद द गिवन स्क्रीन टाइम ही इज सुपर इंपैक्टफुल। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। मिथुन चक्रवर्ती, अर्चना पूरन सिंह, विपिन शर्मा, संजय मिश्रा एंड सौरभ शुक्ला लेंड गुड सपोर्ट। सो बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम। दम विल देयर इज लॉट्स ऑफ दम फॉर ऑल दोस सीकिंग अ आउट एंड आउट मसाला फिल्म विद गुड म्यूजिक, फास्ट पेस एक्शन सीन्स एंड स्टार पावर अटैच्ड टू इट। हाउ द लॉजिक हंटर्स इन सच टाइप ऑफ फिल्म्स माइट एंड अप गेटिंग डिसअपॉइंटेड एज यूजुअल। ये फिल्म सलमान खान की सुपर एंटरटेनिंग फिल्म्स लाइक वांटेड, दबंग और इवन एक था टाइगर की जितनी अच्छी नहीं है, बट इज फार बेटर एंड एंटरटेनिंग देन इज
recently released films like Jai Ho, Dabang 2 and Bodyguard. It's got the entire ingredients required for an engaging film and will entertain its targeted audience, for whom their lovable Salman bhai machaye dhoom but in his own style. Jiske liye main is film ko 3.75 to 4 stars out of 5 ki ratings deta hun, based on the masala entertainment factor. अभी ईद आ रही है और वो अपनी ईदी लेने जरूर आएगा। A full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama. Log on to Movies Adda.